बात नहीं करती, वो तो बत्रा साहब ने कर दी राजनीति की बात। हम अपनी बात पहले तो उलाना देती हूँ मीठा मीठा। हम आदर्श नगर से कभी भी बहुत ज्यादा वोट लेके जीते हैं, शायद कोई नाराजगी होगी आप लोगों के मन में। अगर कोई नाराजगी है तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है। अपने परिवार को, हमारे परिवार में कोई कमी लगती है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेती हूँ। लेकिन अपने परिवार के खिलाफ वोट करना आपको शोभा नहीं देता, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपसे दीपेंद्र के लिए आपके सहयोग और आशीर्वाद की उम्मीद लेके आई हूँ, और आप मुझे आश्वासन दीजिए कि अपने परिवार के साथ आप खड़े रहेंगे। देखिए, ये परिवार का मामला है, राजनीति का मामला नहीं है। जब ये घर बना, हम तो अपनी सांस से सुनते थे, पीछे कुछ नहीं था, या ये हमारा घर था उसके बाद सीधा दादी कैंप था, बाकी सारा पीछे खाली मैदान था, टीकरी लगी हुई थी, कहीं कहीं फेरी लगी हुई थी। जब तक हमारी शादियां हुई, धीरे धीरे दादा एक आधा मकान बनने लगा। जब दीपेंद्र वगैरह बच्चे थे, ये पीछे पूरा मैदान खाली था, यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे, कभी फुटबॉल खेलने आते थे, यही साइकिलिंग सीखी, यही सब काम किया। और हमारे लिए जो बाजार था वो ले जाए गांधी कैंप था, क्योंकि किला रोड जाने के लिए या रिक्शा लेनी पड़ती थी या टांगे, तो उस जमाने में ही हमारा घर बना। तो इस ये सारी जो कॉलोनी है, ये हमारा परिवार है, और अगर इस परिवार को हमसे कोई शिकायत है तो मुझे आगे कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटे के खिलाफ वोट तो ना डालें, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है हमारे घर की वजह से यहाँ कुछ लोगों को ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता कि वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ट्रैफिक हो जाता है। तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ के पहले तो चलो माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आपको मैं क्लियर भी करती हूँ कि हमारे दीवारों के पास आम तौर पे बाजार वाले अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, हमारी गाड़ियां गेट के बाहर बहुत कम होती हैं, बल्कि उनकी वजह से कई बार तो हमारी गाड़ी भी बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन मुझे पता है सारा आदर्श नगर मन मन में कहता था, ए चल भाई ना तो उठे आगे पहुंचे जाना ट्रैफिक रोक कहने लगे नहीं कहने तो भाई अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। और हमने ये यहाँ ट्रैफिक रुकता है, इसके लिए कई बार टेलीफोन करके हमने पुलिस में ये रिक्वेस्ट करी कि अब तो ये बहुत बिजी चौराहा है, क्योंकि उधर सामने ड्यू पार्क को सड़क जाती है, सारा मेडिकल को ट्रैफिक जाता है, तो यहाँ आप एक पुलिस वाले की अगर ड्यूटी लगा दो तो यहाँ पार्किंग नहीं करने देगा। अरे आप आया ना इसके पास भी शॉपिंग करने आते हैं तो वो गाड़ियाँ हमारे गेट के आगे लगाते हैं, क्या रोकेंगे। मेरा मतलब ये है कहने का कि वो ट्रैफिक सिर्फ हमारी वजह से जाम भी होता और लोग भी कर रहे थे। और भाई बात रह गई काम की, तो देखिए ये मैं मानती हूँ कि मैं 12 महीने यहाँ नहीं रहती, मैं बीच बीच में दिल्ली में जाती हूँ, क्योंकि बच्चे वहाँ हैं, परिवार वहाँ है, बेटा बेटी वहाँ है, पोता है वहाँ, सब है। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मेरी देवरानी है गीता है, आधे से ज़्यादा आदर्श नगर जानता होगा गीता को भी, हमारी पुत्र वधु नीलम यहाँ रहती है, बिट्टू यहाँ रहता है, 24 घंटे हमारा दरवाज़ा खुला है। हमने कभी किसी को ये भेदभाव नहीं किया कि कोई काम के लिए हमारे यहाँ, तो जब कोई एमसी मोर नहीं लगाते थे ना तो भी हमारे घर आके कहते थे एमसी की मोर लगवा के मंगा दो। तो हमने हमेशा आदर्श नगर को अपना परिवार समझा है, और मैं परिवार के नाते आप लोगों से आप ही के बेटे के लिए आशीर्वाद और सहयोग मांगने आई हूँ। वोट नहीं मांगूंगी, क्योंकि अगर आपके दिल में उसके लिए प्यार होगा तो आप खाली वोट नहीं देंगे, उसके लिए आप यहाँ से बाहर निकल के औरों से भी वोट। ये तो बत्रा साहब ने बता दिया, जो शहर की हालत है, सड़क नहीं, पानी नहीं, साफ पानी नहीं, कभी पानी 3-3 दिन नहीं आ रहा, बिजली का बुरा हाल है। ये भी एक दो जना कहता है कि जिस दिन हुड्डा साहब आंदे रहे ना आदर्श नगर की बिजली कट लग जाए, बार बार कट लगता है, ये भी लोगों को शिकायत है। 10 साल नहीं लगे जी, 10 साल नहीं लगे आपके आने से पहले भी काट दी थी, यहाँ भी काट दी थी। तो हमने कहा जाता है हमारा कभी काट, तो ये तो छोटी सोच है, बार बार हमारे जब हम कह रहे होते हैं बिजली का कंट लगा देते हैं, हम डरने वाले नहीं, बिजली काटो ना काटो हम इस सरकार से डरने वाले नहीं। ये ऐसी सरकार है
जिसने हमेशा दूसरों को डराने का काम किया। आपको भी याद होगा हमारी सरकार भी शहर में किसी को तकलीफ होता है डेलीगेशन लेके नारे लगाते डी पार्क पर इकट्ठे हो जाते। जब हमारी सरकार गई तो एक दिन हमारी बीवी ने मुझे कह दी थी 2 महीने के बाद, ताई जी बापू गांधी सोचते होंगे रोज, तो पहले तो डी पार्क पे रोज धरने होते थे, धरने वाले कहाँ गए। दूसरी सरकार आ गई और दूसरी सरकार ऐसी है कि जब उसके खिलाफ कोई धरना करता है बदले तो उसको लाठियां मिलती है। गई थी कितने की लाठी खाई कर्मचारी गए थे अपनी बात रखने लाठी चार्ज, आशा वर्कर गई लाठी चार्ज, आंगनबाड़ी वाली गई लाठी चार्ज, सरपंच इकट्ठे हो गए लाठी चार्ज। ये सब कोई मुख्यमंत्री हमारी वोटों से ही तो बनते होंगे ना, तो हमारी वोट से बने हुए मुख्यमंत्री और हमारी ही बात ना सुने, ये कहाँ का न्याय है। बात तो सुने, अगर कोई अपनी बात कहने जाता है उनको बात सुननी चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। पर ये सरकार अहंकार में डूबी हुई है, इनके दिल में किसी के लिए संवेदना नहीं है, किसी के लिए दर्द नहीं है। आपके ऊपर पड़ी हुई ये हमारी बहन बेटियां हैं जो नौकरी करती हैं, इनके ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी का बदला वोट की चोट से आप आज ले सकते हो 25 तारीख। कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, जगह जगह फिरौती की मांग, गोलियां चल रही हैं। कानून हम लोगों को क्या चाहिए, महिलाओं को साफ पानी आ जाए, अच्छी सड़कें हो, सिविल सिस्टम अच्छा हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छे रोजगार मिल जाए, कानून व्यवस्था अच्छी हो जाए, हम लीडर होकर घर से निकल सके। हमारे बच्चे भी गए हैं तो हम ये सोचें हाँ ठीक ठाक वापस आ जाएंगे। इनमें से किसी भी पैमाने पे ये सरकार सफल नहीं है, और जो सरकार ना कानून व्यवस्था बनाए ना पानी दे सके वो सरकार निकम्मी है, उसको जाना चाहिए। उसको जाने के लिए आपको 25 तारीख को अपनी वोट का प्रयोग करना है। संविधान ने आपको वोट का हक दे रखा है, एक वोट कई लाठियों का बदला ले लेगी। आप 25 तारीख को हाथ के निशान पे वोट लगाना, 12-1 बजे तक कितनी वोट डाल देना कि ईवीएम मशीन भूल जाए कि इस पे कोई और निशान नहीं है। मुझे कई जने कहते हैं कि हमने तो वोट दी थी पटा की डिपेंडर कैसे हार गया, मशीन में गड़बड़ है। मैंने कहा इस पर इतनी वोट डाल देना कि ईवीएम का भी सिर घूम जाए कि इस मशीन में सिर्फ हाथ का निशान है और कोई निशान नहीं है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, इस बार आदर्श नगर को टारगेट बना के हमारी वोट 3 या 2 नगर से भी आए थे। बहुत सी कई महिलाएं दरियाव नगर से भी हमारे परिवार आए हुए हैं, तो दरियाव नगर और आदर्श नगर की जो वोट है वो बांट के अलग अलग बूथों में करते हैं। कुछ नहीं सारी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी में है, कुछ स्कूल में महिला आश्रम में भेज दिए, कुछ स्कूल में कुछ भेज दिए, यहाँ अपना नेकीराम में। तो 3 जगह हो गई बूथ आपको। तो इसलिए हमारे कॉलोनी को आप हमें अपना नहीं मानते, पर बीजेपी वालों को लगता है ये हमारा परिवार है, तो उन्होंने हमारी वोटों को 3 जगह बांट दिया, किसी की वोट कहीं कर दी किसी की कहीं। आपको टाइम पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे बूथ के योद्धा हैं आपको पर्ची मिलेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी वोट किस बूथ में है, तो कृपा करके अपनी वोट समय पे डालें, जरूर डालें, पोलिंग करें। मैं नौजवान बच्चों से अपील करूंगी कि वो बूथ के न्याय योद्धा बनके हर वोट को बूथ तक पहुंचाने का काम करें। मैं अपने इस परिवार से वो आपको बूथ भी बताएगा कि किस बूथ पे जाके आपने वोट डालनी है, तो मैं अपने इस परिवार से सहयोग और आशीर्वाद मांगने आई हूँ। आप सब लोगों ने इतनी देर तक हमारी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकती हूँ मेरी बहनों के लिए तो खर्चा में खाना बनाने का टाइम हो गया, तो मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बेटे को अपना आशीर्वाद और प्यार अवश्य। सभी वक्ताओं ने पूरे विस्तार से सारी बात कह दी, पत्रा भाई साहब ने पूरे डिटेल में सारी राजनीति डिस्कस कर दी, और एक वो कहते हैं ना लक्की भाई, लक्की ने जैसा कहते सारे
कोर पार देता कुछ नहीं छड़े सारा कुछ कह देता है। तो मुझे लगता है मेरे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं तो अब यहाँ आई हूँ और गुलशन ने, लकी ने, गुलशन भाई साहब ने, सभी ने दीपेंद्र की तरफ से आप लोगों से वोट की अपील की है। मैं भी आपसे एक यही बात कहूंगी, मेरा ये मानना है कि ये आने वाला इलेक्शन केवल दीपेंद्र को जिताने का इलेक्शन नहीं है, ये एक निकम्मी, अहंकारी, संवेदनहीन सरकार को बदलने का इलेक्शन है। ऐसी सरकार, मैं निकम्मी इसलिए कह रही हूँ, जो हमें साफ पानी नहीं दे सकती, जो हमारी सड़कें गलियां रिपेयर नहीं कर सकती, 10 मिनट की बारिश में पानी खराब हो जाता है, सीवर भरे रहते हैं हमारी काम, हमको क्या चाहिए? आम आदमी को 2-4 चीजें चाहिए जो हमारी जिंदगी की सुविधाएं हमें नहीं दे सकती, वो सरकार निकम्मी ही रहती है। संवेदनहीन इससे कहती हूँ कि जब भी कोई अपनी बात लेके इनके पास जाता है, कोई भी वर्ग है, तो बदले में मुख्यमंत्री हो या जो यहाँ के मंत्री हो या कोई भी हो, बात नहीं सुनते। अगर भीड़ इकट्ठी कर लो तो लाठी चार्ज करवा देते हैं, फिर केस दर्ज करवा देते हैं। तो इससे मैं इनको अहंकारी और अत्याचारी सरकार कहती हूँ। पता नहीं आप लोगों को वो दृश्य याद है कि नहीं याद है, जब आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर चंडीगढ़ गई थी मुख्यमंत्री जी से मिलने, उनके ऊपर वाटर कैनन से ठंडे पानी की बौछारें की गई और फिर लाठी चार्ज किया गया। वो सरकार जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं रखती, मैं उस सरकार को अत्याचारी और अहंकारी सरकार कहती हूँ। सरकारें बदलती हैं, राज बदलते हैं, मुख्यमंत्री भी बदलते हैं, सारी उम्र किसी का राज नहीं रहता, लेकिन अहंकार होना और अपनी ही प्रजा, अपने ही लोग जिनकी वोट से आप बने हो, आम आदमी की वोट से आप मुख्यमंत्री या मंत्री बनते हो, और उन्हीं के प्रति आपके मन में ऐसा क्या गुस्सा कि आप जब भी कोई बात कहने जाए आप लाठी चार्ज कर दें? तो ऐसी सरकार को बदलने का समय है। एक एक लाठी जो उन्होंने हमारी बहन बेटियों पे चलाई है, उसका बदला हमें लाठी चला के नहीं, 25 तारीख को पार्क के बटन पे बटन दबा के उस लाठी का बदला लेना, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का बदला लेना, हमारे युवाओं के भविष्य के न्याय की लड़ाई है। जो नौकरियां निकलती नहीं, निकल जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर एक पेपर से एक कोई नौकरी निकलती है, पहले तो फॉर्म भरो, तैयारी करो, फिर क्या हो गया कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गए 40 से ज्यादा बार, लेकिन आज तक कोई एक आदमी पकड़ा नहीं गया। कौन पेपर लीक करवाता है, कौन उनको बचा रहा है जो पेपर लीक करते हैं? वो बच्चे कहाँ जाए पढ़ लिख के? पढ़े लिखे बच्चों के न्याय की लड़ाई है, हम औरतों के एक सुखी जीवन की लड़ाई है, साफ पानी की लड़ाई है, सुंदर रोहतक शहर की लड़ाई है, युवा के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई दीपेंद्र की अकेले की नहीं है, ये हम सबके मान सम्मान, रोहतक शहर की इज्जत की लड़ाई है। और मैं इस लड़ाई में आपका सहयोग मांगने आई हूँ, आप हमारा साथ दीजिए, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़िए। हम ये राज बदलना चाहते हैं, एक खुशहाल हरियाणा हो, खुशहाल रोहतक हो, सब प्यार से रहे, जाति और धर्म के नाम पे एक दूसरे से नफरत नहीं करें। मैं तो अक्सर कहती हूँ, अरे हम तो जब बिहार आए हमारे घर में गुलशन तो बाद में आने लगा, इसके फादर बैठे रहते थे मेरी सास के साथ, मेरी सारी फ्रेंड्स कोई जांगी सी थी, कोई पंजाबी सी, उन्होंने मदद, जब 10 साल पहला इलेक्शन लड़े एक एक वोट मांगते से साढ़ा जवाई खड़े है, भूपेंद्र साढ़ा जवाई है। मुझे 2016 में सरकार ने कहा हुड्डा साहब तो जाट है, हमें पता ही नहीं था कि हम जाट, हम रोहतक में कभी जाट पंजाबी बिरादरी के नाम पे मिले ही नहीं, हम जो भी थे एक है रोहतक वाले। मैं ये चाहती हूँ ऐसी सरकार आए, ऐसा भाईचारा वापस बने, हम सब प्यार के साथ मिले, हम जब आपस में बैठे तो ये नहीं पूछा जाए कि तू कड़ी बिरादरी का बंदा है, कि तू कौन है, तेरा धर्म की है, तेरी बोली की है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। इंसान या अच्छा होता है या बुरा होता है, तो हम सब प्यार से रहे। मेरी आपसे यही विनती है, एक खुशहाल और सुंदर हरियाणा, खुशहाल सुंदर रोहतक जिसमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। ऐसा नहीं हो कि दिन में लेके बंदूक किसी से फिरौती मांग ली,
दिन दहाड़े गोलियां चला दी, एक इतने बड़े नेता को बहादुरगढ़ में 40 गोलियां मार दी, रेलवे रोड पे फिरौती मार दी, बोहाना में, सांपला में, आप कहीं भी देख लो। ये सरकार का दायित्व है कि कानून व्यवस्था बना के रखे। तो हम ऐसे आपसे सहयोग मांगते हैं और मुझे ये यकीन है जब आर्यनगर से ये आवाज उठेगी, पूरे रोहतक में गूंजेगी, सरकार बदल दो। लक्की ने बड़ा अच्छा कह दिया, सरकार बदल दो तब तो ताज बदल दो, बोला नहीं लक्की से ठीक ठीक है, बेईमानों की सरकार बदल दो। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आप बहुत गर्मी में बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, फिर भी आपने धैर्य से हमारी बातें सुनी। हमें अपने एक बार अपने सहयोग का आश्वासन दीजिए, क्या आप इस न्याय युद्ध में हमारा साथ देंगे? बहुत 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 धन्यवाद।